नमस्कार, निर्मल स्मार्ट किचन में मैं निर्मल सिंगला आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी विशेष रूप से सर्दियों में बनती है। अगर आप डाइट पर हैं तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया भोजन है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और इससे पेट भरा हुआ रहता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कप बाजरा ले लेते हैं। बाजरे में कई बार डंठल वगैरह होती है, मिट्टी भी होती है, तो पहले इसको छान कर साफ कर लेते हैं। छानने से मिट्टी नीचे निकल जाएगी और डंठल ऊपर आ जाएंगे। देखिए ऊपर डंठल आ गए हैं, अब इनको उठा लेते हैं। ये देखिए मिट्टी निकल गई है। आधा कप चावल, आधा कप चने की दाल। हमने इसमें टुकड़ा चावल यूज़ किया है, आप साबुत चावल भी ले सकते हैं। चावल और दाल 1 कप हुआ है और बाजरा हमने 2 कप लिया है। चावल और दाल को अच्छी तरह धोकर भिगो देते हैं। ये भीगने के लिए रख देते हैं। बाजरे के ऊपर से छिलका उतारने के लिए हल्का हल्का बाजरे को गीला करना है। गीले करने से बाजरा फूल जाएगा। अब बाजरे को 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब बाजरे को मिक्सी जार में डाल देते हैं। मिक्सी को ज़्यादा नहीं चलाना है, 3-4 सेकंड चला के बंद कर देना है, फिर 3-4 सेकंड चला के बंद कर देना है। इससे बाजरे का छिलका उतर जाएगा और बाजरा टूटेगा नहीं। ये देखिए बाजरे का छिलका निकल गया है। आप इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। बाजरे को फटक कर छिलका बाहर निकाल देते हैं। बाजरा साफ हो गया है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। 1 कुकर में 12 कप पानी डाला है। इस मिश्रण में 4 गुना पानी डलता है। पानी थोड़ा गर्म होने पर अब इसमें बाजरा डाल देते हैं। ठंडे पानी में बाजरा नहीं डालना है। बाजरा डालने के बाद करछी से इसे चलाते रहें ताकि नीचे बाजरा लग ना जाए। इसके लिए हमने भारी तली का कुकर लिया है। अब इसमें दाल और चावल भी डाल दें और अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालें। अब 5 मिनट चलाते हुए खिचड़ी को पका लें। अब बाजरे में 1 चम्मच देसी घी डाल दें। देसी घी डालने से बाजरे का स्वाद दुगना हो जाता है। Thank you.
अब कुकर को बंद करके 4-5 सीटी दिला लें। सीटियां आने के बाद ठंडा होने पर कुकर को खोल लें। एक पैन में 1 चम्मच घी डालें। उसमें 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून सरसों डालें। हमने हींग इसलिए डाली है इससे बाजरा आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। सरसों के तड़क जाने पर अब ये छोंक खिचड़ी में डाल दें। और अच्छी तरह मिला लें। आपकी बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार है और देसी घी के साथ बाजरे की खिचड़ी का आनंद लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।